लाहौर की सबसे प्राइम लोकेशन में एक ऐसी सोसाइटी जो बजट, फैसिलिटीज़ और इम्यूनिटीज़ के लिहाज से हमारी तमाम तर ऑडियंस के लिए, जनरेशन के लिए, जेनेट्री के लिए सबसे बेस्ट कंसीडर की जा रही है, आज हम उसके बारे में आपके साथ बात करेंगे। प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर हिरा उसामा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि टाइटेनियम ग्रुप के सब स्ट्रक्चर से आपको डेली बेसिस के ऊपर अक्रॉस पाकिस्तान हमारे जितने भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड डिटेल्स एंड अपडेट प्रोवाइड की जाती हैं, और हमारे इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू और वो तमाम सोशल स्टेशंस जहाँ पे हम आपके साथ डील करते हैं, उन तमाम चैनल्स पर जो भी हमारे क्लाइंट्स की क्यूरीज आती हैं अक्रॉस पाकिस्तान एंड अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया भर से, उन तमाम को क्यूरीज को इंतहाई प्रोफेशनल वे में और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ टीम टाइटेनियम जो है ना वो आपकी फुलफ़िल करती है। इसी सब स्ट्रक्चर को हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मेरी आपके साथ एक डिटेल डिस्कशन होने वाली है वो टॉपिक बिल्कुल भी अननोन नहीं है। हमारी 80-90% जेनेट्री जो है वो इस टॉपिक से और इस सोसाइटी से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। मेरा जो टॉपिक है जिसके ऊपर आज मेरी आपसे डिस्कशन होगी वो है अलकबीर टाउन, और अलकबीर टाउन के अंदर जो इनका फेज 3 था किंग्स टाउन, उसका फेज 2 जो भी लॉन्च होने लगा है उसके बारे में हम आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अलकबीर टाउन के ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें हमारे उन क्लाइंट्स के लिए जिन्होंने अब से पहले अलकबीर टाउन के ऊपर कुछ ज़्यादा वर्किंग नहीं की हुई या जिनकी नो हाउ नहीं है या जिन्होंने हमारे चैनल को रिसेंटली ज्वाइन किया है। सबसे पहले किसी भी सोसाइटी की सक्सेस के लिए जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है उसकी लोकेशन। हम अलकबीर टाउन की लोकेशन की बात करें तो ये मेन ड्राइवन रोड के ऊपर सिचुएटेड है, और इसके जो सराउंडिंग है इसकी सराउंडिंग में तमाम वो पॉइंट्स हैं हमारे पास, तमाम वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्सेस पॉइंट्स हैं जिससे हमारे लाहौर शहर को बहुत इजीली एक्सेस किया जा सकता है। अलकबीर टाउन को ठोकर के थ्रू बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं आप, बहरिया टाउन के अंदर से बहरिया ऑर्चर्ड और फिर उसके सामने अलकबीर टाउन को जो है बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ये मेन वो पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू जो हमारे अलकबीर टाउन की तरफ एक्सेस पॉइंट्स हैं वो बहुत ईजी हो जाते हैं। लोकेशन की बात अगर हम बात करें अलकबीर टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो इस वक्त तक अलकबीर टाउन के 4 फेजेस जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं सक्सेसफुली। सबसे पहला फेज़ इन्होंने लॉन्च किया था 2016 में फेज़ 1 के नाम से, और 2016 से 2018 के बीच में उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली जो है वो डिलीवर किया अपने इस फेज़ को 3 और 5 मरला की कटिंग्स के साथ और कमर्शियल कटिंग्स के साथ। इसके बाद 2018 में इन्होंने मूव किया टूवर्ड्स अ फेज़ 2, और फेज़ 2 को भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली इन्होंने डिलीवर किया। फेज़ 2 के अंदर एक ब्लॉक आता है उमर ब्लॉक, अगर उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करूँ तो मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स या मेरे क्लाइंट्स होंगे जो फेज़ 2 के बारे में और स्पेशली उमर ब्लॉक को लेकर थोड़े से कंसर्न होंगे, क्योंकि कुछ इशूज़ जो हैं वो देखने में आए थे प्रीवियसली उमर ब्लॉक को लेकर, लेकिन एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर एक सक्सेसफुल डिलीवरेबल जिन्होंने शो किए उमर ब्लॉक को जो है ना वो प्लॉट के नंबर्स के साथ लॉन्च किया और जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया। तो इस इशू के रिजॉल्व होने के बाद और प्लॉट्स नंबर मिलने के बाद हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनका जो सक्सेस रेशो या जो ट्रस्ट रेशो था हमारे अलकबीर टाउन के ऊपर, अलकबीर टाउन की मैनेजमेंट के ऊपर, इस सोसाइटी के ऊपर और इस सोसाइटी के राइस के ऊपर, वो जो है ना बहुत ज़्यादा हाई हो चुका हुआ है। फेज़ 2 2018 में डिलीवर करने के बाद 3 साल का गैप इन्होंने लिया, एक बहुत ही क्वालिटी टाइम के अंदर बहुत ही क्वालिटी वर्किंग की इन्होंने और डिलीवर किया हमारे फेज़ 2 को टाइमली, और उसके बाद इन्होंने किंग्स टाउन यानी कि फेज़ 3 लॉन्च किया किंग्स टाउन के नाम से, और किंग्स टाउन ने कमोबेश तमाम रिकॉर्ड्स को जो है वो ब्रेक किया, इतने बेहतरीन तरीके से वो डिलीवर हुआ और इतना बेहतरीन उसे राइज मिला, एक हाइप क्रिएटेड थी मार्केट के अंदर, हमारे पास जो मैक्सिमम क्लाइंट था वो अलकबीर टाउन में किंग्स टाउन की तरफ आ रहा था। किंग्स टाउन के अंदर 2 ब्लॉक रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किए फेज़ 1 के अंदर, किंग्स टाउन के फेज़ 1 के अंदर जिसमें ए ब्लॉक था और सेक्टर 2 था। इसके बाद इन्होंने फेज़ 4 लॉन्च किया हमारे अलकबीर का मरियम टाउन के नाम से, उसमें भी 3 और 5 मरला की कटिंग थी। फेज़ 3 किंग्स टाउन के अंदर ए ब्लॉक के अंदर सेक्टर 2 के अंदर भी जो है वो 3 और 5 मरला की कटिंग थी, और ये जो जितने भी फेजेस अब तक लॉन्च हो चुके हैं और इसके अंदर जितनी भी कटिंग्स इन्होंने प्रोवाइड की थी या जो भी प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड किए थे वो बहुत अच्छे तरीके का जो गेन है वो इस वक्त जो बेनिफिट है जो रिटर्न है वो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। आप इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अगर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी या हमारे जो क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो अभी कोई गेन लेना चाह रहे हैं तो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर मिनिमम 3 से 5 लाख से आप स्टार्ट लेते हैं गेन, और 20 से 25 लाख रुपए तक रेजिडेंशियल प्लॉट के ऊपर आप इस वक्त जो है ना वो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं जो ओन जा रहा है जो प्रॉफिट जा रहा है।
और अगर इसी तरह हम कमर्शियल्स की बात करें जो अल कबीर के अंदर दिए थे उन्होंने, तो कमर्शियल्स में मिनिमम ओन जो इस वक्त चल रहा है वो 8 से 10 लाख है, और मैक्सिमम ओन जो डिमांड हो रहा है इस वक्त, जैसे कि बिल्कुल शुरू के कमर्शियल में, जैसे कमर्शियल नंबर 1 है 2 है 3 है, स्टार्टिंग के जो कमर्शियल्स हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उनके ऊपर कमोबेश 60 से 80 लाख रुपये तक का जो गेन है वो देखने में आ रहा है। तो अगर ये चीज़ देखी जाए कि जिसके अंदर आपको एक शॉर्ट टर्म के अंदर एक मैक्सिमम गेन हासिल हो रहा हो या रिटर्न मिल रहा हो, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो सोसाइटी है वो कितना सक्सेसफुली अपने डिलीवरेबल्स को लेकर जा रही है और कितने अच्छे वे के अंदर वो राइज कर रही है। मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि हम अल कबीर टाउन के ओवरव्यू के ऊपर बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे अल कबीर टाउन के फेज 3 के फेज नंबर 2 के अंदर, यानी कि हमारा जो फेज 3 था वो अल कबीर टाउन का किंग्स टाउन था या है, और उसके फेज 1 के अंदर A ब्लॉक आया और सेक्टर B आया। अब ये आने वाले वक्त में, नियर फ्यूचर में, ये फेज 2 लॉन्च कर रहे हैं किंग्स टाउन का, जिसमें एग्जेक्टिव ब्लॉक आएगा ऑन द टॉप, और एग्जेक्टिव ब्लॉक को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा क्यूरीज थी लोगों की 3 से 5 सालों के अंदर अंदर, कि जी आपने पूरे अल कबीर टाउन के अंदर 3 से 5 मरला की कटिंग्स प्रोवाइड की हैं, और रिक्वायरमेंट थी कि जो है वो 10 मरला के ऊपर जाया जाए, 8 मरला के ऊपर जाया जाए, और इवेंचुअली 1 कैनाल के ऊपर जाया जाए। तो ये जो एग्जेक्टिव ब्लॉक हमारा आ रहा है किंग्स टाउन के फेज 2 के अंदर, इसके अंदर बेसिकली यही कटिंग्स है जिसमें 8 मरला 10 मरला और 1 कैनाल है। आप कोई भी सोसाइटी उठाइए तो अल कबीर टाउन के किंग्स टाउन का जो फेज 2 है उसको इस वक्त ये एज हासिल है कि उन्होंने वेरी फर्स्ट टाइम 8 मरला 10 मरला और 1 कैनाल की जो कटिंग है उसको मुतारिफ करवा रहे हैं आने वाले वक्त में। हमारे पास इस वक्त क्लाइंट्स की बहुत ज़्यादा क्यूरीज हैं, वो बुकिंग के बारे में जानना चाहते हैं, लॉन्च के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो मेरा वक्त से पहले वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो लोग बहुत अरसे से क्यूरीज कर रहे थे कि हमें 8 और 10 मरला के प्लॉट्स चाहिए हैं, जो अल कबीर टाउन में एक अच्छे लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है ये कि वो जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, या जो जो उनके पास उनका एक कैपिटल है या जो उनकी सेविंग्स हैं, वो उनको बस थोड़े से टाइम के लिए और होल्ड करके रखें, और वेरी सून हम अनाउंस कर देंगे कि जी लॉन्च हो गया और बुकिंग्स ओपन हैं, तो आप फ़ौरन से जो अपने यूनिट्स हैं उनको ग्रैब कर लीजिएगा। तो ये एक ओवरव्यू था हमारे किंग्स टाउन के बारे में, इसके अंदर मौजूद कटिंग्स के बारे में, कैटेगरीज़ के बारे में, और इसके अलावा इसके अंदर इस वक्त तक लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके गेन के बारे में, और प्लस फ्यूचर, नियर फ्यूचर में जो भी इनके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में एक ओवरव्यू था। इसके अलावा जो एमिनिटीज़ हैं वो तो बहुत बेसिक होती हैं किसी भी सोसाइटी के अंदर, मैंने पहले जिक्र नहीं किया, लेकिन किसी भी सोसाइटी की ग्रोथ के लिए जब जहाँ पे ज़्यादातर रेजिडेंशियल सेक्टर हो वहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कबीर टाउन के अंदर भी तमाम बेसिक एमिनिटीज़, स्कूल, कॉलेज, मदरसा, मस्जिद, ग्रेवयार्ड, सुपर मार्केट से लेके हर चीज़ तक जो है वो प्रोवाइड की गई है, और आने वाले वक्तों में इस जो स्टेटस है इसका एमिनिटीज़ को लेकर उसको भी मज़ीद इन्हांस और इम्प्रूव किया जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट अल कबीर टाउन। अल कबीर टाउन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो रिगार्डिंग सेल्स एंड परचेज, या किसी भी बिज़नेस एक्सपर्टीज़ की आपको ज़रूरत हो, हमारे चैनल से आपको किसी भी वक्त जो है वो प्रोविज़न की जाएगी। हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो स्क्रीन पर गिवन है, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट टाइटेनियम ग्रुप एनी टाइम, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। दिस इज़ हिरा उसामा साइनिंग ऑफ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।